है दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जब दो अल्टरनेटर्स को पैरेलल में जोड़ा जाता है तब एक्साइटेशन और स्टीम इनपुट चेंज करने से किस तरह से उनके रियल पावर्स पे इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से रिएक्टिव पावर्स चेंज होती हैं और किस तरह से पावर फैक्टर एंड आर्मेचर करंट अफेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कवर की लास्ट वीडियो के अंदर और मैंने दो कंडीशन कवर कराई थी, नो लोड कंडीशन और लोडेड कंडीशन। याद रखने वाली क्या बात थी लास्ट वीडियो में कि जब कभी एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो रिएक्टिव पावर का फ्लो होता है, जिसकी एक्साइटेशन ज्यादा उसकी रिएक्टिव पावर बढ़ जाती है, जिसकी एक्साइटेशन कम उसकी रिएक्टिव पावर कम हो जाती है, और जब कभी स्टीम इनपुट चेंज करते हैं तो रियल पावर का फ्लो होता है, तो जिसका स्टीम इनपुट ज्यादा उसकी रियल पावर बढ़ जाती है और जिसका स्टीम इनपुट कम उसकी रियल पावर कम हो जाती है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अल्टरनेटर पैरेलल टू इनफाइनाइट बस बार, ठीक है। अल्टरनेटर इस बार किससे जोड़ा जा रहा है, एक इनफाइनाइट बस बार से, ना कि दो अल्टरनेटर पैरेलल में। अब इनफाइनाइट बस बार के बारे में मैं पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं कि इनफाइनाइट बस बार क्या होती है। सिंपली एक बस या एक नोड कह सकते हो जिसपे कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहते हैं। तो इसमें लिखना, इनफाइनाइट बस इज अ बस और अ नोड इन अ पावर सिस्टम वेयर द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दे डू नॉट चेंज इफ सम अमाउंट ऑफ पावर इज सप्लाइड टू द बस और ड्रॉन फ्रॉम द बस। ऐसे सोचो, इनफाइनाइट बस का मतलब है जिससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर कनेक्टेड है, तो उस पर एक जनरेटर लगा देने से या एक मोटर लगा देने से, यानी उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पावर देने से या उससे कुछ अमाउंट ऑफ पावर लेने से उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट बस, ठीक है। लेकिन इसका ज्यादा कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हो पावर सिस्टम में, जहां पहले इन द फर्स्ट प्लेस बसेस का मतलब समझ आना चाहिए। अगला एक पॉइंट और लिखो, इनफाइनाइट बस कैन बी मॉडल्ड एज अ वोल्टेज सोर्स विथ जीरो इंटरनल इंपीडेंस एंड इनफाइनाइट इनर्शिया। इनफाइनाइट इनर्शिया, इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी ऐसा एक बस दिखा दिया जाए तो इट इज इक्विवेलेंट टू नथिंग बट अ सिंक्रोनस जनरेटर जिसका कोई इंपीडेंस ना हो। इंपीडेंस इसलिए ना हो कि इसका जो ई है वही इसका वी हो जाए, बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो। अब तुम इससे कितना भी करंट लेते रहो या इसको कितना भी करंट देते रहो, इसका वोल्टेज नहीं बदलेगा, तो एक तरह से एक आइडियल वोल्टेज सोर्स। और इनफाइनाइट इनर्शिया इसलिए बोला है कि कितना भी लोड लगा देने से इसकी स्पीड या फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट बस को एक जनरेटर मान रहे हो तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, और अभी हम आगे चल के ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी लोड बढ़ने के साथ कम होती है। तो अगर इनर्शिया इनफाइनाइट है तो तुम कितना भी लोड लगा लो, ना तो ये एक्सेलरेट कर सकता ना ही ये डेसेलरेट कर सकता। अगर एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन नहीं आएगा तो इसकी स्पीड रहेगी कॉन्स्टेंट, ठीक है। स्पीड कॉन्स्टेंट तो माने इसकी फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट, तो ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो एक पॉइंट चाहे तो इसके नीचे लिख लेना, इनफाइनाइट इनर्शिया इंप्लाइज that rotor of the alternator neither accelerates nor decelerates under any circumstances, so the speed remains constant and hence the frequency is also constant, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए इनफाइनाइट बस बार के बारे में। अब अगेन इसको स्टडी करने के लिए दो कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं,
पहला हम देख रहे हैं नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन। अब हमारा सिस्टम कैसा है देखो कि एक अल्टरनेटर है और एक ये हमारी रिएक्टेंस है और ये कनेक्टेड है एक इनफाइनाइट बस बार से। इसका वोल्टेज है यहां पे V। अब इस केस में देखो IA फ्लो करेगा जनरेटर से बस की ओर क्योंकि जनरेटर शुड डिलीवर पावर, ठीक है। तो रियल पावर कितनी होती है, हमने इस सर्किट के लिए रियल पावर डिराइव की थी EV बाय एक्सेस साइन डेल्टा, ये जो रियल पावर जा रही है, और जो रिएक्टिव पावर जा रही है वो कितनी होती है V बाय एक्सेस E कॉस डेल्टा माइनस V, ये होता है। अब नो लोड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा लोड कनेक्टेड नहीं है विच विल ड्रॉ आ रियल पावर। तो नो लोड का मतलब क्या हुआ, नो लोड का मतलब ये हुआ रियल पावर इज जीरो। अब रियल पावर तो भाई साइन डेल्टा के प्रोपोर्शनल है, तो रियल पावर जीरो माने डेल्टा मस्ट बी जीरो, जिसका मतलब रिएक्टिव पावर हो गई V बाय एक्सेस कॉस डेल्टा वन, तो E माइनस वी। कॉस डेल्टा अगर वन हो गया तो ये हो गया E माइनस वी। अब जनरेटर में हम तीन केसेस जानते हैं, केस वन फर्स्ट केस अंडर एक्साइटेड मशीन। अंडर एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ कि E कॉस डेल्टा इज लेस देन वी या ई इज लेस देन वी, क्योंकि डेल्टा तो जीरो है। अब ई लेस देन वी का मतलब क्या हुआ कि देखो कि अगर ये टर्मिनल वोल्टेज है तो ये हमारा ई एम एफ है, ठीक है। ई इज लेस देन वी, डेल्टा जीरो है तो दोनों सेम फेज में आ गए। और आई ए कैसे लिख सकते हो, ई एंगल डेल्टा माइनस वी बाय जे एक्सेस, तो ई माइनस वी बाय जे एक्सेस हो जाएगा क्योंकि एंगल डेल्टा जीरो चल रहा है ना, ई माइनस वी तो नेगेटिव आएगा क्योंकि ई छोटा है। अब इसको जे से डिवाइड करना है या ऊपर कह दो माइनस जे से मल्टीप्लाई करना है, माइनस जे का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये आएगा आई ए। तो क्या हो गया ये जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है या जेड पी एफ लीडिंग, ठीक है। ये बात मेरी समझ आई, मैंने बोला ई एम एफ सॉरी करेंट होता है ई एंगल डेल्टा माइनस वी बाय जेड या बाय जे एक्सेस। रियल पावर जीरो होने से डेल्टा जीरो है तो ई माइनस वी बाय जे एक्सेस हो गया, ई वी से छोटा था तो ई माइनस वी नेगेटिव आया, और करंट 90 डिग्री लीड कर गया, माइनस जे का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो देखा कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। केस टू, केस टू क्या लिखोगे, नॉर्मली एक्साइटेड मशीन, ठीक है। नॉर्मली एक्साइटेड मशीन, नॉर्मली एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि ई कॉस डेल्टा वी के बराबर आ जाए या डेल्टा जीरो होने की वजह से ई इक्वल टू वी, सिंस डेल्टा इक्वल टू जीरो। अब आईए कितना हो जाएगा इससे, ई माइनस वी बाय जे एक्सेस यानी जीरो, तो आई ए जीरो है माने कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो एक पॉइंट लिखना, व्हेन अ अल्टरनेटर इज कनेक्टेड, व्हेन अ अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू एन इंफिनिट बस बट नो करंट फ्लोज फ्रॉम
alternator to the bus, then alternator is said to be floating. ठीक है, floating condition क्या होती है कि ये bus से तो connected है but ना ही ये कोई current deliver कर रहा है ना ही ये कोई current absorb कर रहा है, तो उसे कहते हैं floating condition. तो ये word बहुत अच्छे से याद रखना है, floating. ये machine के अंदर काफी commonly use किया जाता है parallel operation के case में. अब case 3 की बात कर लेते हैं. Case 3 हमारा होता है over excited machine. ठीक है, over excited machine का मतलब ये हुआ कि E cos delta is greater than V. delta तो 0 है तो E is greater than V. अब आइए क्या लिखा है अभी हमने, देखो यहां पे माइनस जे ई माइनस वी बाय एक्सेस, ये लिखा है. अब ई की लेंथ वी से बड़ी बनाना और डेल्टा जीरो की वजह से दोनों सेम फेज में बनेंगे, तो ई माइनस वी भी इन्हीं के फेज में आएगा क्योंकि ई बड़ा है वी से. अब उससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लो ई माइनस वी से, ये हो गया आई ए. तो ये 90 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से, तो जेड पी एफ लैगिंग. ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि हम लोग क्या कर रहे हैं. तो नो लोड कंडीशन में डेल्टा को जीरो मानोगे क्योंकि मशीन कोई भी रियल पावर सप्लाई नहीं करेगी. तो नो लोड कंडीशन में ना इतनी ज्यादा कोई चीजें समझने या याद रखने वाली नहीं है, इसमें बस ये समझ सकते हो कि अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड और नॉर्मली एक्साइटेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है. बस नो लोड कंडीशन में इतना याद रख के जा सकते हो कि रियल पावर जीरो होती है जिस वजह से डेल्टा को जीरो लिया जाता है. हमारा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है लोडेड कंडीशन के बारे में बात करने का क्योंकि प्रैक्टिकली ऑल्टरनेटर कुछ ना कुछ लोड सप्लाई जरूर करेगा. अगर ऑल्टरनेटर कुछ भी लोड सप्लाई कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ लोडेड कंडीशन. तो अगला लिख लेना, लोडेड कंडीशन. अब लोडेड कंडीशन में हम बात करेंगे कि एक्साइटेशन चेंज करने से क्या होता है और स्टीम इनपुट चेंज करने से क्या होता है. तो लोडेड कंडीशन में सबसे पहले लिख लेना इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन. इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन, एक्साइटेशन चेंज करने का मतलब क्या होता है कि फील्ड करंट को बदला जा रहा है और फील्ड करंट को बदलने से बदलता है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड. तो इसमें लिखना इफ द फील्ड करंट इज केप्ट, if the field current is varied, then magnitude of induced EMF also varies. Next point, but in this case, the steam input should be kept constant. Excitation तो बदल रहे हो लेकिन दूसरा पैरामीटर यानी स्टीम इनपुट को कॉन्स्टेंट रखोगे. स्टीम इनपुट कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ, स्टीम इनपुट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट इंप्लाइज पावर इज कॉन्स्टेंट. पावर होती है ई एफ वी टी बाय एक्सेस साइन डेल्टा, दैट इज कॉन्स्टेंट. अब वी टी और एक्सेस तो कॉन्स्टेंट है इनफाइनाइट बस की वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट बस बार. तो यहां से कंडीशन ये निकली ई एफ साइन डेल्टा इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, पावर का एक और फॉर्मूला होता है हमारा वी टी आई ए कॉस फाइ. पावर तो कॉन्स्टेंट है, वी टी भी कॉन्स्टेंट है इनफाइनाइट बस की वजह से, तो कंडीशन बनी आई ए कॉस फाई इज एक्चुअली इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, कुछ देखा देखा लग रहा है ये,
कुछ वीडियोस पहले यही एग्जाम्पल मैंने लिया था, यही कंडीशन मैंने डिराइव की थी जब मैं वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व की बात कर रहा था। अब देखो क्या करना है, वी टी को तो कांस्टेंट रखना ही है, इनफाइनाइट बस है। आइए इससे लैगिंग ले लो, आई ए वन एट एन एंगल फाइ वन। अब मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे आई ए कॉस फाइ माने आई ए का वर्टिकल कंपोनेंट ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ये लेंथ है आई ए कॉस फाइ, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। अब हम ई एम एफ कैसे निकालते हैं, ई एम एफ का तरीका होता है ई एफ इक्वल टू वी टी प्लस जे आई ए एक्स एस, यानी आई ए में एक जे वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है